गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय के सभागार में शनिवार को मानसिक स्वास्थ्य परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को मानसिक अवसाद से हो रही बीमारियों और घटित हो रही घटनाओं के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही मानसिक बीमारियों के लक्षण भी बताए गए। इस दौरान कार्यक्रम में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अमोल श्रीवास्तव, उपप्राचार्य डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी, डॉक्टर प्रत्या उपाध्याय, NSS कार्यक्रम अधिकारी प्रियंका त्रिपाठी, मुख्य नियंता डॉक्टर रेणु गौड़ सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय की प्राचार्य पूनम शुक्ला ने कहा, लोगों के साथ शेयर करने की, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की, अपने परिवार के ऊपर कोई भी चीज सीखता है सीखता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, अपने परिवार के साथ शेयर करता है कि चलो हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन अगले को भी अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये उत्सुकता भी एक स्वस्थ व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी होती है। मानसिक तौर पे अस्वस्थ व्यक्ति है उसके क्या लक्षण, ये तो हमने आपको स्वस्थ व्यक्ति के कुछ लक्षण बताए। एक मानसिक तौर पे जो अस्वस्थ व्यक्ति है सबसे पहले उसके अंदर कंसंट्रेशन की कमी होती है, एकाग्रता की कमी होती है, उसका चित्त नहीं एकाग्र नहीं होगा, कोई भी काम करेगा आधा करेगा आधा छोड़ देगा, कभी इधर करेगा कभी उधर करेगा, ये सबसे बड़ी पहचान होती है। उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत पुअर होता है। उसके बाद उसके अंदर वैचारिक और स्थिरता होती है, फ्लाइट ऑफ होते हैं, कभी एक बात आ गई अभी पूरी नहीं तब तक दूसरी आ गई, दूसरी खत्म नहीं तब तक तीसरी आ गई, स्थिरता एक कंटिन्यूटी नहीं बनी रहती है उसके विचारों में। तो मानसिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति के अंदर यदि एक बड़ा लक्षण पाया जाता है नकारात्मक सोच, जैसे मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि मानसिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति है उसकी सोच सकारात्मक होती है, चीजों को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेता है और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जबकि मानसिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति जो है ज्यादातर उनकी सोच नकारात्मक होती है। आप एंग्जायटी में डिप्रेशन के मरीजों में आसानी से पाते हैं, वो अपनी नकारात्मकता को ही लेकर परेशान रहते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास चीजें नहीं होती, बहुत कुछ होता है लेकिन उनको लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं, ये सोच ही उनको इनएक्टिव कर देती है। मनोविज्ञान के विद्यार्थी अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़ाया भी जाता है, मुझे पता चला है यहाँ नॉर्मल साइकोलॉजी भी है, लेकिन आज की डेट में अगर किसी व्यक्ति को अचानक पता चले कि उसको शुगर है तो शुगर के बाद में कितना से जागरूक हो जाता है कि उस बात को लगता है जिंदगी खत्म, खाने पीने से चल जाए, ये नहीं करो वो नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ ऐसे मत करो सामान उठाओ। मैं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पूनम शुक्ला, NSS के थ्रू जो कार्यक्रम है मानसिक मनोरोगी के संरक्षण के लिए कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो 1982 में शुरू किया गया था यह कार्यक्रम। आज हमारे देश में कम से कम 450% लोग ऐसे हैं जो कि मानसिक रोग से ग्रस्त हैं। इन मानसिक रोग से ग्रस्त होने का जो सबसे बड़ा कारण है वह सामाजिक पारिवारिक होने के साथ साथ जो हमारे आर्थिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, उससे भी ग्रसित हैं। इसको आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो ये मानसिक स्थिति जो बीमार लोग होते हैं तो बहुत से लोग इनको मनोचिकित्सक के पास न ले जा करके, मनोवैज्ञानिक रूप से उनका काउंसलिंग ना करा करके बाबाओं और जादू टोना भूत प्रेत का जो होता उनके पास जाते हैं और उनसे इलाज करवाते हैं। तो आज ज़रूरत है कि हम उन बाबाओं के चक्कर से उबर करके जो मनोचिकित्सक हमारे समाज में उनके पास जाएं और उसके तहत इसका उनका इलाज करवाएं। माध्यम से बच्चों को क्या आदर्श दिया जा रहा है? देखिए
परिवार में बच्चे भी बहुत ऐसे पाए जाते हैं जो इस मानसिक, इस आधुनिक युग में मानसिक तनाव से ग्रसित हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बच्चों को यह जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं तुम खुल करके उसको, तुम अपने अंदर न खुल करके बताओ और हम उसका उपाय करेंगे, ताकि वो उस मनोविचित्रता के से अपने को ग्रसित न करके कोई ऐसा काम न करें जो समाज के लिए और देश के हित में ना हो। जैसे आजकल देखिए कि बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि उनके साथ अनेक ऐसे अमानवीय घटनाएं घट रही हैं जो नहीं घटना चाहिए, और वो बच्चे इन घटनाओं से प्रभावित होकर के बहुत से ऐसे कार्यों का संपादन कर रहे हैं, जैसे फांसी लगा लेना, आत्महत्या कर लेना, ट्रेन के आगे कूद जाना, नदी में छलांग लगा देना। अभी आप आए दिन अखबारों में, न्यूज़पेपरों में न्यूज़ देखते हैं। तो इनसे हम अपने बच्चों को कैसे संरक्षण कर सकते हैं, उन्हें सही मार्ग कैसे दिखाते हैं, इसी अवेयरनेस के थ्रू यह कार्यक्रम का संपादन किया जा रहा है।